दोस्तों आज हम बात करेंगे दो में अपना बैंक अकाउंट यूट्यूब के साथ या फिर ये कह लो अपना गूगल Adsense के साथ कैसे जोड़े स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम नॉर्मल तरीके से आपको बताऊंगा दो में जो भी कुछ रूल्स चेंज हुआ होगा सब कुछ आपको डिटेल्स में बताएंगे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए या फिर गूगल Adsense के साथ जोड़ने के लिए यूट्यूब के साथ जोड़ने के लिए आपको कम से कम आपके पास दस डॉलर होना चाहिए आपका अकाउंट में जब आपका दस डॉलर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद गूगल की तरफ से एक इस तरह का गूगल एडसेंस का पिन भेजा जाता है जिसके अंदर कुछ पिन वगैरह होता है ये देखिए ये जो पिन है ये पिन को आपको वेरिफिकेशन करना है जिसको कहता है पिन वेरिफिकेशन तो पिन वेरिफिकेशन करने के बाद आपको आपका एडसेंस में एक टैब मिल जाता है जो कि है व्यू पेमेंट का टैब तो व्यू पेमेंट का टैब में जब भी आप क्लिक करोगे उसके बाद आप बैंक का डिटेल्स भर सकते हो अपना अकाउंट नंबर दे सकते हो और आई कोड स्विफ्ट कोड भी सब कुछ दे सकते हो कई फ्रेंड्स हमारे वीडियो के नीचे कॉमेंट किया था कि कौन सा बैंक अकाउंट देने से सबसे अच्छा होगा यहाँ पर हम बात कर यहाँ पर हम आपको बता दूँ कि सबसे अच्छा बैंक है एस का बैंक जैसे कि हम भी एस भी का बुक लेके बैठा हूं ये बैंक का डिटेल्स हम भरूंगा ये बैंक का डिटेल्स आप देते हो तो आपका पेमेंट में नाइन्टी परसेंट कोई दिक्कत नहीं आता है तो सबसे अच्छा है एस बैंक का अकाउंट नंबर आप दे दो तो 2021 में किस तरह से बैंक डिटेल्स देता है सब कुछ आपको ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो चलिए देख लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर में आ जाएंगे और यहाँ पर सर्च बॉक्स में हम लिखेंगे सिंपली एट और इसको सर्च कर देंगे सर्च करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये जो ऑप्शन देख रहा है गूगल एडसेंस का ऊपर में लिखा हुआ है डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम और बगल में एडसेंस सेंच लॉग इन इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद थोड़ा यहाँ पर वेट करना है क्योंकि थोड़ा वक्त लग सकता है मोबाइल से करते हो तो आपको डेस्कटॉप साइट जरूर कर लेना है ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप टॉप साइट का एक ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पर बॉक्स में टिक मार्क कर देना है तो ये डेस्कटॉप साइट मोड में हो जाएगा अब यहाँ पर लॉग इन वगैरह आपको कर लेना है जिस भी अकाउंट में आपका मोनिटाइजिंग इनावेल जिस भी अकाउंट से आप बैंक डिटेल्स जोड़ना चाहते हैं उसको लॉग इन कर लेना है पासवर्ड और जी मेल देकर तो यहाँ पर देखिए मेरा अभी नाइन्टी डॉलर बना है लेकिन वो में दिखा रहा है 101 डॉलर ठीक है तो कोई बात नहीं अगला महीना में, में, में मेरा ये जो पेमेंट है वो आ जाएगा पेमेंट आते ही हमें आपको सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा तो वीडियो को जरूर देखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है तो वो वीडियो को जरूर देखना अब देखिए यहाँ पर दो तरीके से आप यहाँ पर आ, अपना बैंक का डिटेल्स भर सकते हो जैसे कि जहाँ पर देखिए मेरा डॉलर है टोटल डॉलर बैलेंस लिखा हुआ है उसके साइड में एक एक बटन दिया गया है थ्री डॉट का जहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए व्यू पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर क्लिक करके आप दे सकते हो दूसरा ऑप्शन उफ, है यहाँ पर लेफ्ट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा जहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर पेमेंट्स का एक अकाउंट बटन दिख जाएगा जहाँ पर एक बार क्लिक करना है पेमेंट्स का बटन में क्लिक करने के बाद ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा देखिए मेरा फॉर्म ओपन हो गया है एक बात दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि देखिए ये जो रेड कलर का ऑप्शन दिखा रहा है जहाँ पर बोला जा रहा है मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन जो कुछ ही दिन पहले अपडेट दिया गया है यूट्यूब की तरफ से वो मैनेज टैक्स का एक फाइल आपको सबमिट करना है जो आपका पैन कार्ड से एक नंबर मांगा जाएगा जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में ज़रूर आपको कुछ ही दिन में बनाकर दे देंगे वीडियो को जरूर देख लेना आप चलिए नीचे स्कॉल डाउन करेंगे और यहां पर देखिए राइट साइड में एड पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन दिया गया है जहां पर हमें क्लिक करना है तो चलिए क्लिक करते हैं देखिए मेरा पेज लोडिंग हो रहा है अब देखिए यहां पर मेरा जो बैंक डिटेल्स भरने का जो फॉर्म होता है वो यहां पर खुल के रेडी हो चुका है अब यहाँ पर ध्यान से आपको करना है देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है बेनिफिशियरी आईडी। बेनिफिशियरी आईडी पर कुछ भी आपको नहीं करना है उसके नीचे लिखा हुआ है नेम ऑन बैंक अकाउंट यहाँ पर सब कोई गलती करता है यहाँ पर गलती मत कीजिएगा यहाँ पर अच्छी तरीके से समझिएगा देखे देखिए लिखा हुआ है नेम ऑन बैंक अकाउंट मतलब ज, जो जिसका बैंक अकाउंट है उसका नाम क्या है तो हमारा नाम है विजय तो हम यहाँ पर विजय दे देंगे आप भी यहाँ पर अपना नाम दीजिएगा बैंक का नाम नहीं ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम नाम दे देते हैं और उसका नीचे लिखा हुआ है बैंक नेम यहाँ पर आपका बैंक का नाम देना होगा जो भी आप बैंक देते हो स्टेट बैंक हो सकता है एक्सिस बैंक हो सकता है यूनियन बैंक हो सकता है कोई भी बैंक हो सकता है वो बैंक का नाम यहाँ पर पूछा है तो सेकेंड नंबर पर आपको वो बैंक का नाम देना होगा नेक्स्ट यहाँ पर आई कोड दिया हुआ है जो आपका बैंक का पासबुक में हर पासबुक में मिल जाता है आई कोड लिखा हुआ होता है वो कोड को यहाँ पर आपको दे देना है नेक्स्ट स्विफ्ट कोड लिखा हुआ है यहाँ पर स्विफ्ट कोड आपको देना होगा स्विफ्ट कोड आपको बैंक में जाइए बैंक का मैनेजर के साथ बात कीजिए अगर मिल जाए तो अच्छा है नहीं मिलता है तो आप अपना गूगल में गूगल में सर्च करके ला सकते हो हम भी बैंक में किया था लेकिन बैंक में बोला था कि आप हबरा से ले लो हबरा में जो स्विफ्ट कोड है वही आपको दे देने से हो, होगा मेरा घर है हुगली डिस्ट्रिक्ट में तो हबरा के देने से भी होगा आपका जहाँ घर है वहाँ से सिटी जो नज़दीक सिटी है उस सिटी का आई कोड देने से भी स्विफ्ट कोड देने से भी आपको चलेगा ठीक है तो वो स्विफ्ट कोड आपको देना पड़ेगा तो स्विफ्ट कोड कैसे निकलता है ऑलरेडी मैं वीडियो बना के रख चुका हूँ आप चाहो तो देख सकते हैं इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नहीं तो मेरे चैनल में आके देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है अकाउंट नंबर आपका बैंक का बुक में अकाउंट नंबर दिया हुआ है जो अकाउंट नंबर आप बारीकी से यहाँ पर दे दीजिए उसके बाद री टाइप अकाउंट नंबर वही अकाउंट नंबर फिर से दोबारा यहाँ पर टाइप कर दीजिए यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर से टैस प्राइमरी पेमेंट मेथड यहाँ पर टिक मार्क पहले से ही होगा अगर नहीं है तो टिक मार्क करके उसके बाद यहाँ पर सेव का बटन में हम सेव कर देंगे तो चलिए बारीकी से हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं पूरा यहाँ पर बैंक डिटेल्स का फॉर्म जो है पूरा फिलअप कर चुका हूँ अब एक बार यहाँ पर हम मिला लेंगे उसके बाद मिलाने के बाद यहाँ पर सब कुछ अच्छे तरीके से दस बार नहीं हज़ार बार आप देख लो क्योंकि यही मेन है आप जितना भी मेहनत करते हो यही मेन है ये ठीक से नहीं आप देते हो तो आपका पेमेंट नहीं आएगा तो इसी को इसलिए बार बार इसको देख कर एक एक बारीके से मिला कर उसके बाद ही सेव कीजिएगा ठीक है सब कुछ होने के बाद अब यहाँ पर हम सेव का बटन में क्लिक करके सेव कर देंगे तो ये जो मेरा बैंक आ, अकाउंट डिटेल्स फॉर्म है ये शेप हो जाएगा तो चलिए क्लिक कर देते हैं देखिए दोस्तों वे ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट ये देखिए मेरा बैंक का डिटेल्स जो है वो ऐड हो चुका है अब यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं एडिट भी कर सकते हैं तो फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये मेरे सेप हो गया है अब यहाँ पर ऐड पेमेंट में डाउट फिर से और एक बैंक दूसरा बैंक भी आप दे सकते हैं लेकिन हम फिलहाल अभी छोड़ रहे हैं तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफी सारा नॉलेज मिला होगा इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना हम आपको आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं कि नई वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय